दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो लाल बाग के दर्शन की लाइन यहाँ पर तक खड़ी है। अभी हम लाल बाग का दर्शन कंप्लीट करके बाहर निकले हैं और सामने की साइड ही आपको मिलेगा चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, चिंतामणि का राजा है वो बहुत फेमस है। जैसे लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए भीड़ होती है, उसी हिसाब से सामने ही थोड़ा चल के ही दिखाता हूँ अभी मैं आपको चिंतामणि का दर्शन। तो ये है चिंतामणि का जो मेन एंट्री गेट, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल गेट है, वो बनाया है चिंतामणि का राजा का जो है। दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है वो जाती है। सामने ही मैंने वॉकिंग डिस्टेंस पे आप चिंतामणि का दर्शन के लिए जा सकते हो। यहाँ पे लिखा है चिंच पोकली सार्वजनिक। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिर्फ लाल बाग के सामने ही आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे का नज़ारा और आगे की और जो लाइन दिख रही है। यहाँ दोस्तों बरसती हुई बारिश के अंदर आप यहाँ पे दर्शन दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ये मेरे पीछे का नज़ारा है, आगे भी जो है वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी मैं कोशिश करूँगा अंदर के दर्शन करने की। थैंक यू दोस्तों। पहुंच चुके हैं दर्शन, आखिर 15 से 20 मिनट के बाद दर्शन हो चुके हैं और अब आगे की ओर आप देख रहे हैं। यहाँ पे लाइन नीचे रहे हो, वो लाइन यहाँ पे थी और बरसती हुई बारिश के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी मुंबई में बारिश अच्छी तरह चल रही है तो आप देख सकते हो चिंतामणि जी का दर्शन। और पीछे मेरे जो पीछे है वो लाइन है अभी। बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे चिंतामणि जी के दर्शन फाइनली हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं मुंबई सेंट्रल के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सेंट्रल जाने के लिए मुझे अभी मैं लोकल ट्रेन से जाने वाला हूँ, आया बस से। तो यहाँ पे चिंच पोकली स्टेशन से आपको पकड़ना है दादर और दादर के बाद आपको मिलेगा मुंबई सेंट्रल का जो है लोकल। दोस्तों मैंने पूरी जर्नी आपको दिखाई, आपको ये कैसा वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट मुझे ज़रूर बता दीजिए दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड फैमिली कलीग में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।